पापा अगर कस्टमर के साथ आप सेल्फी लेंगे ना तो आपको दस हैं नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा पहली बार मुझे कहानी सुनाई मी मैं ही तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि मेरी इंसल्ट हुई है देखो इस फिल्म के लिए ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी मैं कहा फिर मैं क्यों क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है तुम कहीं के भी लगते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो सो so, बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं सो so, इतना मुश्किल नहीं था और दूसरा सेल्फी वाला हाँ मतलब मुझे मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते ना क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक सो so, हाँ ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे दस रुपये मिलेंगे <laughs> क्योंकि मैं 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 वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से सो so, हाँ पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है सर yeah. फ्रेंकली so, मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी सो मैं उसको समझना चाहता था और जब फर्स्ट डे मैं सेट पर गया और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना यू नो अपने आप कैरेक्टर में आते हो तो उस एम्बियंस में जा, जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे रियल लोकेशंस के ऊपर तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं वो आपको उस करेक्टर में आने के लिए और लेकिन हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जैसे हम लोगों को लगता है जैसे मैम ने कहा कि हम लोग अपनी मैं अपने शहर से मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ एक एक यू नो वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है जिस शहर से हम बीस साल पहले आए थे वो चीज़ें देखता रहता हूँ लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए थोड़ा नाम हो गया अच्छे पैसे कमाने लग गए अच्छे कपड़े पहनने लग गए एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में भुवनेश्वर में वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की यू you नो know, कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं वो मिक्स होकर जो खुशबू आती है ना तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की वो क्योंकि यहाँ पर अपने अपने फ्लैट हो गए थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया तो नहीं आती है वो खुशबू तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सो so, मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था बिकॉज uh, हमारा होमवर्क अच्छा था जो लोग स्ट्रैटी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटी रहेगी इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूँगा मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटी नहीं होती सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी मेरे दोस्त और मेरे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं इनकी लिखी हुई थी Uh, क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं तो मुझे मज़ेदार लगी पहली फिल्म थी मज़ा आया दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी वो मेरे दोस्त हैं राजीव वो भी यहाँ पे मौजूद हैं इन्होंने डायरेक्ट की थी वो भी हमारा हमने दिल से ही किया जो काम किया कभी ऐसा सोच के नहीं किया उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था आ, फिरंगी के टाइम तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं Uh, तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई ये भी दिल को ही लगी तो ऐसा नहीं है कि uh, क्योंकि टी वी पे इतना प्यार मिला है तीन महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको दस साल हो गए तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस करेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया नो 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 24 एपिसोड्स आर इनफ जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी तो ऐसा होता है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो मेहनत से करते हो दिल से करते हो सो so, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही सर आ, दिल से जो चीज़ अच्छी लगी आ, टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस यू नो बाय वीकली शो एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस टू एपिसोड्स और उस उन टू एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग आ, पूरा एक वीक जाता है लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग यू नो फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए और एक दिल में था कि ये ये फिल्म हमने करनी करनी है